नामांकन के दिन यहां भाजपा कार्यालय पर उमड़ी है भाजपा नेताओं की भीड़ और आज नामांकन का अंतिम दिन था। भाजपा प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त के समर्थन में तमाम जो नेता है वो यहां पहुंचे हैं। बहादुरगढ़ से भाजपा के पूर्व विधायक हैं नरेश कौशिक जी, आइए बात कर लेते हैं। विधायक जी, क्या माहौल है, बड़ौदा बदलेगा लगातार दावे किए जा रहे हैं, कितने मजबूत रहेंगे योगेश्वर दत्त? आज बड़ौदा हल्के की पावन धरा पर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भाई योगेश्वर दत्त के नामांकन के शुभ अवसर पर यहाँ पर किस तरह की अपार भीड़ देखने में आई, तो इससे यह आभास होता है कि जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने और हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो फैसला लिया और भाई योगेश्वर दत्त को नहीं बल्कि बड़ौदा हल्के की 36 बिरादरी को टिकट देकर जनता के बीच में भाई योगेश्वर दत्त को दोबारा से भेजने का काम किया है, इसके लिए मैं सबसे पहले अपने नेताओं का धन्यवाद करता हूं और बड़ौदा हल्के की 36 बिरादरी को बधाई देता हूं। जिस तरह से जजपा और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर मिलकर नामांकन के इस अवसर पर भाई योगेश्वर दत्त का सहयोग करने का संकल्प लिया है, उससे ये आभास होता है कि बड़ौदा हल्के से बहुत भारी मतों से हमारे बहुत ही सम्मानित अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त जी विजयी होंगे। आपको क्या लगता है विधायक जी कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं बड़ौदा में, जो हाल में 6 साल के भाजपा के शासनकाल की बात करें या 10 वर्ष पूर्व जो कांग्रेस का शासनकाल रहा है, क्या रहने वाला है? देखिए, 10 साल तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे और एज ए सांसद होने के बावजूद भी दीपेंद्र हुड्डा भी एज ए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने हरियाणा में काम किया, विधायकों की ग्रांट तक उनके हल्के में उन्होंने खुद बांटने का काम किया जी। लेकिन बड़ौदा हल्के में जिस तरह से बड़ौदा हल्के की सम्मानित जनता ने 15 साल तक भूपेंद्र हुड्डा के उम्मीदवार को यहाँ से विजयी बनाने का काम किया, तो जिस तरह से अब हम हल्के में जाते हैं और वहाँ पर विकास कार्य देखते हैं तो कोई भी विकास कार्य यहाँ कराने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। और भाई योगेश्वर दत्त को 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जात पात के नाम पर, भाई भतीजावाद के नाम पर लोगों को बरगला कर अपने हक में वोट मांगने का काम किया, उससे क्या हुआ, बड़ौदा हल्के का नुकसान हुआ। देखिए, जब जनप्रतिनिधि होता है तो ही हल्के का विकास होता है और आज सबको पता है कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार का नुमाइंदा ही विकास करा सकता है। अब बहादुरगढ़ से हम 2014 में बहादुरगढ़ की सम्मानित जनता ने विधायक बनाया, लगभग 2300 करोड़ रुपए हम बहादुरगढ़ हल्के के अंदर लेकर आए, तो उससे बहादुरगढ़ हल्के का विकास हुआ। लेकिन वहाँ भी लोग कांग्रेस पार्टी के बैंक आए में आकर दोबारा से फिर पिछड़ के चले गए, अब पछता रहे। तो यही बात मैं बड़ौदा हल्के की 36 बिरादरी को बताना चाहता हूँ कि आज दोबारा बड़ौदा हल्के की पगड़ी भाई योगेश्वर दत्त के सिर पर बांधने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मेरा बड़ौदा हल्के की 36 बिरादरी से नम्र निवेदन है, आने वाली 3 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा कमल के निशान पर बटन दबाकर भाई योगेश्वर दत्त को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाकर चंडीगढ़ भेजने का काम करें और मैं विश्वास भी दिलाता हूं, अगर यहां से भाई योगेश्वर दत्त विधायक बनते हैं तो भाई पत्ती भी उनको 100% मिलती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है जो है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर यहां 36 बिरादरी का मान सम्मान बढ़ाया है, हो सकता है कि भाई मंत्री पद में भी भाई योगेश्वर दत्त का नाम आ सकता है। नरेश कौशिक जिंदाबाद। जजपा भाजपा गठबंधन और मुख्यमंत्री की घोषणाएं, इनका कितना असर आप देखते हैं? देखिए, आज इस तरह से जजपा और भाजपा दोनों पार्टियों के नेता और जिस तरह से पिछले चुनाव में जजपा के उम्मीदवार ने यहाँ से वोट ली
भाई योगेश्वर दत्त ने वोट ली, सभी नेताओं ने ये बात कही है, सभी कार्यकर्ता इस बात को कहते हैं कि अगर दोनों की वोट का जोड़ करें तो आज सबको ये दर्शाता है कि भाई योगेश्वर दत्त भारी मतों से जीते हुए हैं। लेकिन विपक्ष को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर मतभेद भुलाकर और भाईचारे के साथ मिलकर इस चुनाव को जीतने का काम करना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी का मान सम्मान। रेस को सिख जिंदाबाद, योगेश्वर दत्त जिंदाबाद।